ग्वालियर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि लोकसभा में अब की बार मध्य प्रदेश में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि 2024 में हम 29 में से 27 सीटें जीते थे और 2019 में 28 सीटें जीते हैं और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28 और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं।